हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, निकाली गई न्यू दिल्ली आप IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में हम IGI भी कहते हैं। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद से आपको अप्लाई करके भी बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देख सकते हैं ये आपका IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कैसे डाउनलोड करना है इसको भी हम आगे बताएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आपका कस्टमर सर्विस एजेंट का आपका पोस्ट है और इसमें आप 10+2 पास है तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी जो है 15 से 25 हज़ार तक मिलने वाला है और आपका यहाँ पर एज 18 से लेकर 30 साल का होना चाहिए। और इसमें आपको पोस्ट जो है टोटल पोस्ट आपका यहाँ पर 590 पोस्ट रखा गया है। और जिसका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट था आपका 29 जनवरी 2020 से लेकर 19 अप्रैल तक लास्ट डेट था। फिर से उसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है और जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं 31 मई तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि यहाँ पे अंतिम तिथि को यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई तक बढ़ा दी गई है। मतलब यहाँ पर पहले था 19 अप्रैल शायद उसके बाद है। और एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आएगा आपका जून में आएगा, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा जून जुलाई में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कराने का चांस बन रहा है। और इसका आपको 10 दिन बाद आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी हम आपको अप्लाई करके भी बताएंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया। अब इन जगहों से आप आते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। जैसे आपको दिल्ली होगा, जयपुर होगा, गुवाहाटी, भोपाल, लखनऊ, कोची, कोलकाता, देहरादून, पटना, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और भुवनेश्वर, अगर आप इन सबों से आते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए। और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं सिलेबस दिया गया है और इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होने वाला है। इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड मतलब जो आपका 12th के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। और जो अभी आपका आएगा प्रोसेस होता है उसको आपको मेल और मैसेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। और नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, वही डेट दिया गया है आपका। लास्ट क्लोजिंग डेट जो है 31 मई रखा गया है। और इसमें आपका जो है एप्लीकेशन फी 350 रुपये सबको देना है, चाहे ST SC OBC जो भी कास्ट के हैं सबको यहाँ पे 350 रुपये देना है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपको इसमें कराया जाएगा। उसके बाद से फाइनल शॉर्टलिस्ट करके इसमें ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा नौकरी है, इसमें प्रोफेशनल होता है, आपको कोई भी हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और नीचे आने के बाद से कुछ टर्म कंडीशन दिया गया है, आप लोग इसको कैसे डाउनलोड करें चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद से अप्लाई करके भी आपको हम बताएंगे। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से अपडेट किस पेज पे आ सकते हैं। पेज पे आने के बाद से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के दिया है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के दिया है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर अप्लाई का कुछ टर्म कंडीशन दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है क्या कि यहाँ पे जो ट्रिक मार्क दिया इसी पे आपको चेक पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद से फिर आप यहाँ पे डेट टाइमिंग को कुछ दे जाएगा इसके बारे में। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल अपना टाइटल देना है जो कि आपका मिस्टर मिसेस जो भी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे फुल नेम देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। उसके बाद से इंडियन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से नीचे आने के बाद से मैरिड अनमैरिड जो भी है सिंगल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पूरा दिख जाएगा जो अभी नोटिफिकेशन बताए हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस देना है, अगर आपका वन लाइन में होता है तो एक ही लाइन में कर दीजिए, दो लाइन में है तो दो लाइन में कर दीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे सिटी देना है, स्टेट देना है और उसके बाद से पिन कोड देना है जो कि आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है। और अपना ईमेल आईडी जो कि पूरा अच्छी तरीके से आपको जो एक्टिव है उसी को देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपके पास एक और हो तो दे सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद से आपको यहाँ पे 10th का डिटेल देना है, अपना कॉलेज का नाम देना है, बोर्ड देना है किस बोर्ड से है, आपका पासिंग ईयर देना है। सेम प्रोसेस आपका 12th में भी रहेगा, उसमें भी आपका कॉलेज नेम, बोर्ड और पासिंग ईयर देना है। उसके बाद से यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन है तो आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो आप दे सकते हैं, आगे आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड जो कि ऑप्शनल है तो आप दे सकते हैं, नहीं भी तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फुल नेम देना है जो भी आपका आधार कार्ड पे, उसके बाद से आधार कार्ड नंबर देना है। और नीचे आने के बाद से यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद से आपको जॉब इसके बारे में किस तरह से जानकारी मिला है जो भी है, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जॉब पोर्टल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है जो कि कम से कम 4 MB का होना, 4 MB से अधिक भी चल जाएगा लेकिन कम नहीं चलेगा। यहाँ पे जैसे फोटो अपलोड यहाँ पे
चूज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चूज करके आपको यहाँ पे सबमिट पे कर देंगे। जैसे सबमिट पे करेंगे तो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे सिंपल आपका प्रिंट भी हो जाएगा।